दोस्तों हम लोग अभी महामाया मंदिर जाने वाले रोड में हैं, जो दल्ली राजरा से महामाया मंदिर जाता है, और यहीं पर किले वाली माता का मंदिर है जो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग जाएंगे बोईडी डैम, और ये देखिए ये जो कच्चा रास्ता जाता है ये बोईडी डैम की ओर जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आज बोईडी डैम। और थोड़ा सा रोड ख़राब है, पत्थर भी है, कच्ची रोड है, थोड़ा सा एडवेंचर वाला रास्ता है ये बोईडी डैम जाने का। और ये जंगलों के बीच में बना हुआ डैम है, और बहुत ही खूबसूरत डैम है वो। बीच बीच में आपको दो तीन टापू देखने को मिलेंगे इस डैम में, बोईडी डैम में। ये आ चुका है उसका गेट आई थिंक, हाँ यहाँ। ये देखिए पिकनिक मनाने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कार दिख रही है आपको, बाइकें हैं यहाँ, चार पांच कार है, बाइक है। और ये आ चुके हम लोग डैम, ये देखिए इस तरफ पूरी लाइन से कार ही कार है, सब पिकनिक मना रहे हैं। और ये है डैम का एरिया, ये देखिए यहाँ पर भी पूरी पार्टी चल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल संधु ध्रुव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वक्त हम लोग बोईडी डैम में हैं, जो दल्ली राजरा में आता है, जो महामाया वाले रोड में है। और ये बहुत ही प्यारा डैम है, आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना शानदार नज़ारा है। और यहाँ पर आपको बीच बीच में एक दो टापू देखने को भी मिल जाएगा। तो मैं आज आप लोगों को पूरा बोईडी डैम घुमाता हूँ, और साथ ही साथ जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोग को मिल जाएगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, उसकी आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं पूरा आपका डैम घुमाता हूँ और यहाँ का नज़ारा दिखलाता हूँ। और भाइयों इधर देख सकते हो आप लोग, ये पूरा खाई टाइप का पार बना हुआ है, और हम लोग उस तरफ से ही रोड से आए हुए हैं, और इधर पूरा जंगल है, और यहाँ पर आए पे कुछ छोटा सा पहाड़ देखने को मिलेगा। और इस तरफ अगर आप देखते हो तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है ये डैम, और बीच में आपको दो तीन ऐसे छोटे छोटे टापू देखने को मिल जाएंगे। इस तरफ भी टापू है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। और ये पिकनिक मनाने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के लोग पिकनिक मनाने आए हुए हैं, यहाँ पर मस्त खाना वाना बना रहे हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हो अच्छा खासा भीड़ है, मस्त खाना बना रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा वहाँ पर ले चलता हूँ, और आपको डैम का पूरा नज़ारा दिखलाता हूँ वहाँ से, फिर हम लोग उस तरफ जाएंगे नज़ारा देखने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ। वो है जो डैम को ऑपरेट करता है गेट खोलने या बंद करने के लिए, उस तरफ जा रहे हैं, और बगल से रास्ता बना हुआ था। और इसमें देखिए पूरा एक कांटा जाली लगा हुआ है, इस तरफ भी है, ताकि कोई इधर उधर से बीच से ना घुस सके। और ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं, कुछ इस प्रकार बना हुआ है। चलो विकास भाई जल्दी। तो दोस्तों नज़ारा देख सकते हैं आप, कितना शानदार नज़ारा है।
चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर और आपको उस तरफ ले चढ़ते हैं और हम लोग उधर भी जाएंगे जहाँ पर और लोग पिकनिक मना रहे हैं और उधर से भी आपको डैम का नज़ारा दिखलाते हैं। तो बने रहें मेरे वीडियो पे, कंटिन्यू वॉच करें बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों अब हम लोग थोड़ा लेफ्ट साइड जाके देखते हैं कि उधर क्या है डैम में। उधर बहुत सारे और गाड़ी आई हुई है, यहाँ पर पार्टी चल रही है बढ़िया। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं और यहाँ से भी डैम का नज़ारा आप देख सकते हो कितना शानदार है। अब देखते हैं रोड कहाँ तक जाता है आगे। थोड़ा सा रोड खराब है, पथरीला है। आगे कुछ ज़्यादा वैसा है नहीं दोस्तों, ये खाली पथरीला रोड है और डैम का नज़ारा जो आप देख रहे हैं वहीं से ही अच्छा था डैम। ये शायद कहीं गांव वाँव की ओर जाता होगा क्योंकि आगे रास्ता ही रास्ता है। हाँ हाँ, तो दोस्तों हम लोग जो डैम है इसे थोड़ा सा आगे कच्ची रास्ता उस तरफ आया, लेकिन इधर कुछ नहीं है। आप देख सकते हो मेरे पीछे बस ये डैम का किनारा है। ये देखिए इस साइड भी आपको डैम का किनारा ही दिख रहा है। तो ये एक प्रकार से बहुत बड़ा डैम है, फैला हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पिकनिक मनाने आए हुए हैं। तो हमारा ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को ये आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और हम लोग अब यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।